दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं जी, कैपिटल लेटर जी कैसे लिखते हैं वो हम सीखेंगे, ठीक है। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को आपका फेवरेट चैनल पर स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिए। साथ में जो बेल बटन होता है उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जी लिखना सीखेंगे, ठीक है। जी कैसे लिखते हैं? जी लिखने के लिए हम क्या करते हैं ना, एक कर्व लाइन लेते हैं। कहाँ से? ये टॉप लाइन से मिडिल लाइन होके बेस लाइन तक, यहाँ पे छोटा सा स्टार्टिंग लाइन रहता है, स्लिपिंग लाइन रहता है ये, और एक स्टार्टिंग लाइन रहता है। क्या करते हैं जी लिखने के लिए? कर्व करते हैं, स्टैंडिंग लाइन लेते हैं, स्लिपिंग लाइन लेते हैं, फिर से एक स्टैंडिंग लाइन लेते हैं। ये होता है जी लिखने का तरीका, ठीक है। अभी ये जी लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है ना, ऐसे कर्व पैटर्न लेना पड़ता है, ठीक है। और ये वाला पैटर्न लेना पड़ता है, ठीक है। और क्या करते हैं, ये पैटर्न का बच्चे लोगों को मिलाना पड़ता है, ठीक है। और ऐसे डॉट्स भी रहता है। ये सारा पैटर्न हम लोग जी लिखने के लिए ही यूज़ करते हैं। ये जो जी होता है ये ऊपर से नीचे तक आता है, ये टॉप लाइन से बेस लाइन तक आता है, वहाँ से मिडिल लाइन तक जाता है स्टैंडिंग लाइन, वहाँ से मिडिल लाइन के ऊपर होता है स्लिपिंग लाइन, एंड मिडिल लाइन से बेस लाइन तक ये होता है स्टैंडिंग लाइन। ये होता है जी लिखने का तरीका। इसे हम बच्चे लोगों को कलर अप्लाई करने बोलेंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ से ये कर्व रहता है, छोटा स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन और एक स्टैंडिंग लाइन, ओके। ऐसे वाला कर्व रहता है, इस कर्व के ऊपर क्या होता है स्टैंडिंग लाइन रहता है, ये स्लिपिंग लाइन रहता है, ये और एक स्टैंडिंग लाइन रहता है, ठीक है। ये तो था जी लिखने का तरीका, ठीक है। दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि, और पास में जो बेल बटन होता है उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। कीप वॉचिंग फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।